हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका सेट सेवन सेवेंथ पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उनकी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। The latitude line on which the length of day and night always remains the same is, तो जो अक्षांश रेखा होती है जिस पर दिन और रात की जो लंबाई होती है वो हमेशा समान होती है, सेम होती है, वो कौन सी आपकी लैटिट्यूड लाइन रहेगी? तो वो हमारा इक्वेटर रहेगा। इक्वेटर पे आपकी डे का टाइम पीरियड और नाइट का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होता है। इसको एक बार मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तो मैप देख लेते हैं एक बार। आप इसमें बीच में देख सकते हैं आपका इक्वेटर रहेगा, 0 degree north 0 degree south में आपका इक्वेटर लोकेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, मॉर्निंग सेम नाइट सेम, जो आपकी इसमें कंट्रीज आएंगी वहां पे आपको सेम डे नाइट का टाइम पीरियड मिलता है। इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका पूछा जाता है आपसे, तो ये 23.5 inch north आपका रहेगा, जो कि इंडिया से आपका पास होता है। यहाँ पे आप एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया को देख सकते हैं, और इंडिया को अप्रोक्सीमेटली दो इक्वल पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। टोटल 8 states से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, आप सबको पता होगा। इसी तरीके से आप अगर इक्वेटर के नीचे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपको मिलेगा, जो 23.5 inch south में रहेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया से डिवाइड होता है। ऑस्ट्रेलिया को दो अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डिवाइड करता है। अब यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी गई है इसको डिटेल में कवर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन में। तो एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? अभी हमने पीछे ही सेम क्वेश्चन को कवर किया, तो यहाँ पे आपका आंसर इंडिया हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से। अब जो बाकी कंट्रीज आ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे उनको देखेंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड लाइन है जो पास करती है काफ़ी कंट्रीज से, जिसमें इंडिया, मैक्सिको, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ये आपको मेन चार कंट्रीज हैं जो याद रखनी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती हैं, और ये लोकेटेड है अप्रोक्सीमेटली 23.5 degree north में इक्वेटर के, जो कि अभी हमने पीछे ही लास्ट क्वेश्चन में कवर भी किया था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो भारत की जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनित्व सबसे कम है? तो सबसे जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यूनियन टेरिटरी में वो रहेगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें, तो अगर स्टेट अगर आपसे पूछी जाए जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमारी बिहार हो जाएगी। अगर स्टेट आपसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की पूछी जाए तो अरुणाचल प्रदेश रहेगी। अगर यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की पूछी जाए तो वो दिल्ली रहेगी। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है हम उसको कैसे नापते हैं, तो 1 kilometer एरिया के अंडर कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। अगर यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारा क्वेश्चन था वो अंडमान निकोबार आइलैंड रहेगा। डिस्ट्रिक्ट जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट जिसकी लोएस्ट डेंसिटी है वो है लाहौल और स्पीति आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे सेंसस 2011 के। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो टी होती है वो फेमस रहती है कहाँ की, आसाम की। तो आसाम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में टी का। आसाम की अगर बात करी जाए तो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, जिसको कि हाई क्वालिटी ब्लैक टी के लिए भी जाना जाता है। ये स्टेट होम रहेगी काफ़ी सारी टी स्टेट और प्लांटेशन का, जिसमें मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टेट की इकोनॉमी में वो टी से रिलेटेड आपका रहेगा। ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड, तो विश्व का जो एकमात्र
तैरता हुआ डागर है वो किस झील पर स्थित है? तो इसमें आपका डाल लेक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा पिछला पार्ट था, इससे पहला वाला जो पार्ट था हमारा ज्योग्राफी का सीरीज का, उसमें हमने डाल लेक कवर किया था। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड रहेगा। अगर हम लॉकटक लेक की बात करें तो यहाँ पे दो आपके लेक्स होते हैं जिनमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। लॉकटक लेक आपका कहाँ पे है? मणिपुर में लोकेटेड है। अगर वूलर लेक की हम बात करें तो वूलर लेक आपको कहाँ पे मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, जो कि एशिया का या इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक रहेगा। और पुलिकट लेक की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट आपके लेक्स रहते हैं। हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर द मून टू रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस? तो चंद्रमा जो रहेगा वो अपनी ही जो धुरी होती है उस पे जो चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर को लगाने में उसको टोटल कितना टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी 27.3 दिन का टाइम लगता है, डेज का टाइम लगता है मून को रिवॉल्व करने में अपने ही एक्सिस पे। वॉट इज नोन एज गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर जो सुनहरा रेशा है उसके रूप में किसे जाना जाता है, मतलब गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आपका किस चीज से रिलेटेड था, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसमें जूट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ फाइव रिवर इन इंडिया? भारत में किस राज्य को पांच नदियों की भूमि भी कहा जाता है? तो पंजाब स्टेट रहेगी जिसको लैंड ऑफ फाइव रिवर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पांच रिवर्स फ्लो करती हैं पंजाब स्टेट में, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलुज शामिल रहेंगे। इन रिवर्स को पंचनाद भी बोला जाता है, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सहारा डेजर्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो आपका सहारा डेजर्ट है। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड रहेगा आपका सहारा डेजर्ट, जो कि अराउंड 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट रहेगा दुनिया का, जिसका टेम्परेचर 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और 57.8 डिग्री सेल्सियस तक। अयोध्या जो कि एक आपकी जगह रहेगी राम जन्मभूमि के नाम से, जिसको जाना जाता है उत्तर प्रदेश स्टेट में, इस सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर? तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें सरयू रिवर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरयू रिवर के अराउंड जो राम जन्मभूमि अयोध्या जगह है वो आपकी सिचुएटेड है। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट सिटीज की हम बात करें तो श्रीनगर जो जगह है आपकी सिटी रहेगी जम्मू कश्मीर में, ये झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बद्रीनाथ अलकनंदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अहमदाबाद साबरमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली रहेगा यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड। सूरत गुजरात में तापी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मथुरा आपकी उत्तर प्रदेश में रहेगी यमुना रिवर से अराउंड सिचुएटेड है। मजूली आइलैंड या मजूली जो आपकी जगह है, मजूली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड रहेगा, आसाम में लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कानपुर उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर के अराउंड, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड, लखनऊ आपका गोमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। उज्जैन बहुत बार पूछा गया है आपसे एग्जाम्स में, शिप्रा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। और पटना जो कैपिटल है बिहार की, गंगा रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगी। हाउ फार इज इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम? तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के जो मानक समय है उससे कितना आगे है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 5.5 आवर हो जाएगा। तो 5.5 जो आर है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम आगे रहेगा ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से। हुज ट्रिब्यूटरी इज द लोहित रिवर? जो लोहित नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो इसमें हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर दो स्टेट्स में इंडिया की फ्लो करती है, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक आसाम में। अगर ओरिजिन की बात करी जाए तो ये ओरिजिन कहाँ से होती है? तो सियांग या दिहिंग आपकी जगह रहेगी, आंगसी ग्लेशियर जो कैलाश रेंज है मानसरोवर लेक के करीब तिब्बतन रीजन में, वहां से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये एंटर करती है इंडिया में जो आपकी सादिया टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से एंटर करती है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें दिबांग, लोहित, सियांग, बुरी दिहिंग, तिस्ता और दंसरी आपके शामिल हैं। ट्रिब्यूटरीज बहुत बार पूछी गई हैं आपसे एग्जाम्स में रिवर की। इसको सेंगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में और यारलैंग ज़ेंगपो के नाम से जाना जाता है चाइना में, नेपाल में।
ये रिवर आपकी क्रॉस करती है आसाम को, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है, उसके बाद आसाम में फ्लो करने के बाद ये आपकी एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, जो कि 337 किलोमीटर आपकी फ्लो करती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक बैकल। बैकल लेक या फिर लेक बैकल जो है आपका सबसे बड़ा ये आपके मीठे पानी की झील रहेगी, जो कि आपकी आयतन की दृष्टि से अगर बात करी जाए, मतलब वॉल्यूम में अगर हम बात करें, और डीपेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है, तो भी आप वो भी आपका लेक बैकल ही रहेगा, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका रशिया स्टेट में, रशिया कंट्री में लोकेटेड रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डिटेल, तो लेक बैकल जो है रशिया में लोकेटेड है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया का वॉल्यूम में, और ये करीब करीब 20% जो वर्ल्ड का अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है उसमें वो आपको इस लेक में मिलेगा। इसको ओल्डेस्ट लेक भी माना जाता है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट लेक रहेगा दुनिया का, जो कि माना जाता है करीब करीब 25 मिलियन ईयर पुराना है। निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, निकोसिया किस देश की राजधानी है, तो इसमें हमारा साइप्रस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइप्रस एक छोटा सा देश रहेगा टर्की के पास, जो टर्की देश है उसके पास आपका लोकेटेड है। अगर हम टर्की के कैपिटल की बात करें तो अंकारा कैपिटल है टर्की की। इसराइल एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्री रहती है, एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है इसराइल, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तो यूक्रेन की कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है कीव, यूक्रेन की कैपिटल, रशिया की मॉस्को कैपिटल है। बांग्लादेश की अगर बात करें, हमारी नेबरिंग कंट्री है जिससे इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है, तो बांग्लादेश का ढाका कैपिटल है, नेपाल की काठमांडू रहेगा, श्रीलंका का कोलंबो हो जाएगा, और अगर बात करी जाए बाकी कंट्रीज़ की तो वो भी आपको याद रखनी है, जो जो इम्पॉर्टेंट है आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, करेंसी कैपिटल दोनों पूछी जाती हैं। व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू, तो बिग बैंग जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के क्रिएशन बनने से बिग बैंग थ्योरी आपकी संबंधित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज अ मैन मेड रिजर्वर सिचुएटेड इन डैश, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर एक आपका स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में मिलेगा, रेहंद रिवर या रेहंद डैम जो रहेगा उसके अराउंड ये आपका सिचुएटेड है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम रहेगा, जो कि लोकेटेड है ऑफ कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के, और ये करीब करीब अराउंड 1400 माइल्स में फैला हुआ है, और होम है डाइवर्स रेंज के जो मरीन लाइफ है, जिसमें आपका 1500 स्पेशीज है फिश की, 30 स्पेशीज है वेल और डॉल्फिन्स की, तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। वेयर इज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका लोकेटेड, तो अभ्रक जो होता है उसका सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पे है, तो वो मिलेगा आपको इंडिया में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोदरमा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, झारखंड का, वहाँ पे ज़्यादातर आपको मिल जाएगा, और 95% जो माइका रिजर्व है इंडिया में वो आपके झारखंड में ही लोकेटेड है। विच इज द बिगेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का जो सबसे बड़ा नहर है वो कौन सी रहेगी, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी बीजिंग हैंगझोउ ग्रैंड कैनाल, जो कि चाइना में लोकेटेड है, ये बिगेस्ट कैनाल है दुनिया की। विच प्लेस इज सेड टू बी दी मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, और जो थाउजेंड्स आपके स्मॉल मीडियम और लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल मिल्स रहेंगी, वो आपकी सिचुएटेड है कहाँ पे, कोयम्बटूर, जिसको इसी कारण की वजह से मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। विच वाटरफॉल इज बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, तो जो हमारा एक लेक रहेगा, झील रहेगी एरी, और एक ओंटारियो झील रहेगी, इनके मध्य कौन सा जलप्रपात है, तो इसमें हमारा नाइग्रा फॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओंटारियो आपको जगह पता होगी, ओंटारियो कहां से संबंधित है, कनाडा से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो इसमें हमारा जूट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीट हो गया, जौ हो गया, रेप सीड्स हो गए, ये सब आपके रबी सीजन के क्रॉप्स रहेंगे। जूट जो होता है आपका, ये आपका खरीफ सीजन का क्रॉप होता है, तो रबी सीजन का नहीं होता है, जूट आपका खरीफ सीजन का होता है। विच इज दी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, NH-44 हाईएस्ट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। NH-44 जिसको कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोला जाता है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, जो कि करीब करीब 3,745 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला हुआ है, कवर करता है। ये श्रीनगर जो जगह रहेगी जम्मू कश्मीर में, वहां से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक आपका रन करता है, और ये काफ़ी सारी मेजर सिटीज़ हैं जिनमें ये आपका पास होता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु शामिल रहेंगे। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड दी, तो जो पृथ्वी है उसके फोकस अर्थ के ऊपर, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जो फोकस है, उसके जो प्लेस है उसको क्या बोला जाता है। तो इसमें हमारा एपिसेंटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अर्थक्विक होता है, जो अर्थक्विक का जो टाइम होता है, उसमें जो एनर्जी स्टोर करी जाती है अर्थ में, वो रिलीज होती है कहां से, फोकस से। Which soil is found mostly in India? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, पहले भी हम कवर कर चुके हैं, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है इंडिया में। Which of the port is not a natural port? कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मतलब मैन मेड पोर्ट कौन सा है गिविन ऑप्शंस में से, तो चेन्नई पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट नहीं है। The Amazon River flows through which of the following country? अमेज़न नदी निम्नलिखित में से किस देश में होकर बहती है, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में, कोलंबिया में और पेरू, तीनों कंट्रीज में अमेज़न रिवर फ्लो करती है। अगर अमेज़न रिवर की बात करी जाए तो ये लार्जेस्ट रिवर है दुनिया की वॉल्यूम में, और ये फ्लो करती है सेवरल कंट्रीज, जिसमें साउथ अमेरिका की कंट्रीज आपकी शामिल हैं, जिसमें ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू आपके शामिल हैं। Which of the following peaks is known as five treasures of great snow? तो great snow के पांच खजाने किसको बोला जाता है, कौन सी पीक को बोला जाता है, तो इसमें कंचनजंगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कंचनजंगा है ये इंडिया की हाईएस्ट पीक रहेगी, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सिक्किम स्टेट में आपको लोकेटेड मिलेगी। Which river falls into the Arabian Sea? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो all of the above हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, माही रिवर, लूनी रिवर और साबरमती रिवर, ये सब आपकी फॉल करती हैं, गिरती हैं अरेबियन सी में। विच पास कनेक्ट्स तिब्बत टू उत्तराखंड, तो तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसमें ऑप्शन ए मानाला पास, नीतिला पास और लिपुलेख पास। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी रिवर, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर रहेगी और साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, जो कि करीब करीब 1465 किलोमीटर लेंथ रहेगी। ये रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से और फ्लो करती है काफी इंडियन स्टेट्स में, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है, और ये एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। सेम डेप्थ इन सी व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग देम कॉल्ड, तो जो जब सेम डेप्थ होती है आपकी सी में, तो एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म होती है जिसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबाथ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। विच माउंटेन रेंज इज द धौलाधर रेंज अ पार्ट ऑफ, तो धौलाधर जो रेंज है उस वो किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है, तो इसमें हमारा मिडिल हिमालयस और लेजर हिमालयस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालयस का पार्ट है मिडिल का और लेजर का धौलाधर रेंजेस। द डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन बी जॉर्डन और इसराइल इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग न्यू दिल्ली टू मुंबई, तो नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो हो जाएगा NH8 नेशनल हाईवे 8। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन, भारतीय समुद्री तट की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगी 7,516 किलोमीटर,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, आपको जरूर याद रखना है। वेयर इज देहिंग पटकई नेशनल पार्क लोकेटेड, देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो यह आपको मिलेगा आसाम स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो इसमें हमारा तिब्बतन प्लेटू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बतन प्लेटू दुनिया का सबसे ऊंचा पठार आपका रहेगा। विच स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरी के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है, जो कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होने वाला स्टेट हमारा बनता है। द यांगसे रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यांगसे नदी किस नदी में किस देश में स्थित है, तो यह आपको मिलेगी चाइना में। अगर यांगसे रिवर की हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, जो कि थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी दुनिया की, और ये करीब करीब 3900 माइल्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ रहेगी इसकी, और ये चाइना में आपकी लोकेटेड है और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर और ट्रांसपोर्टेशन का चाइना के लिए। वेयर इज दी मुदुमलाई नेशनल पार्क सिचुएटेड, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो यह आपका लोकेटेड है ऑप्शन डी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपसे स्टेट ज्यादातर पूछी जाती है, तो तमिलनाडु में लोकेटेड है आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क। दिस सिटी ऑफ वेनिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री, जो वेनिस शहर है ये किस देश में स्थित है, तो यह आपको मिलेगा इटली, जो इटली कंट्री है वहां की एक सिटी रहेगी वेनिस। Which active volcano is known as the lighthouse of Mediterranean? तो कौन सा आपका एक ज्वालामुखी रहेगा जिसको भूमध्य सागर के प्रशांत स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है एक लाइट हाउस रहेगा मेडिटेरियन सी का, और ये एक आपका एक्टिव वॉल्केनो है। इंडिया का जो इकलौता, इंडिया का जो सिंगल ओनली एक्टिव वॉल्केनो है उसका क्या नाम है, तो वो बैरन आइलैंड रहेगा आपका, बैरन वॉल्केनो रहेगा, बैरन आइलैंड पे वॉल्केनो है आपका, वो एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे आपका लोकेटेड है। The Andes Mountain are located in which continent? तो Andes जो पर्वत है वो किस महाद्वीप पर स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर साउथ अमेरिका हो जाएगा। Which is the tribe of Andaman and Nicobar Island? अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है, तो इसमें हमारा जरावा ट्राइब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Which Indian city is known as the Silicon Valley of India? भारत की सिलिकन वैली किसको कहा जाता है, कौन से शहर को, तो जो कर्नाटक स्टेट है उसकी जो कैपिटल है बेंगलुरु, इसको सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से और साथ ही साथ आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑन विच रिवर इज द पोर्ट ऑफ कोलकाता सिचुएटेड, तो कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो कोलकाता बंदरगाह आपका जो कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल है उसकी मेन रिवर है हुगली रिवर, तो कोलकाता हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया उससे रिलेटेड अगर आपसे रिवर पूछी जाती है तो ज्यादातर आपको हुगली रिवर ही आंसर मिलेगा। द विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है, तो इसमें ऑप्शन बी जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये दोनों कंट्रीज रहेंगी जिनके बॉर्डर पे आपको विक्टोरिया फॉल्स मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो आज की हमारी जो सीरीज है इससे रिलेटेड, सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे दो हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस, क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। ऑलरेडी दो बार आज की ही वीडियो में हमने सेम क्वेश्चन को कवर किया है। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो कौन सा भारतीय राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें। अगर आपको ईबुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ईबुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारी वेबसाइट है उसको डायरेक्टली गूगल के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं। ravibookspdf.com के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। धन्यवाद।